नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का जाप, चेहरे पर आएगा नूर तेज जिसे कोई भी देखकर सम्मोहित होगा। ये एक ऐसा मंत्र है, उसी दिन ही आपने इस मंत्र का अनुष्ठान बिठाना है। जन्माष्टमी साल में एक बार आती है और ये मंत्र सिद्ध करने का मौका भी आपको उसी दिन मिलेगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और तीन मेरा चैनल है गुरु गोरखनाथ शिव गुरु क्षण होना चाहिए। बाकी के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरे गुरुओं को जेल लगो, गुरु ने किसी के जान से मत फंसाना। सभी धर्मों का दस्त अनुमन करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। अन्यथा मेरे साथ पर्सनली बातचीत करनी है, कंसल्टिंग फीस 1150 और होने पर अरदास का 2550 रहता है। और लाइव स्ट्रीमिंग आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो, वहाँ पर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके रखना। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही मेरा वेबसाइट का लिंक वहाँ पर मेंशन है, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो sanninathsharma.blogspot.com। आप वहां पे जाके साधना सिद्धियां पढ़ सकते हो, मंत्र लिखित में आपको मिलेंगे। ये साधना पूर्ण रूप से सफटिक की माला के ऊपर आपने करनी है। इस माला के ऊपर आपने अनुष्ठान बिठाना है। एक ही दिन की साधना है, एक ही दिन आपने जप करना है। जो मंत्र बताऊंगा, मंत्र छोटा सा, उस मंत्र का आपने जप करना है 12,500। और 12,500 जब करने में आपको बड़ी मुश्किल से 1.5-2 घंटे की ये सारी क्रिया है। उसी रात्रि आपने, जन्माष्टमी की रात्रि ही आपने, जब कृष्ण जी को उधर पालकी पे चढ़ाया जाता है, यानी पालकी के ऊपर झोला दिया जाता है रात को 12 बजे, तो उसी टाइम आपने ये मंत्र एग्जैक्ट जपना है। भोग में आपने बाबा जी को मिश्री, ड्राई फ्रूट, पंचमेवा, उसके अलावा पंच अमृत और मक्खन आपने भोग में बाबा को लगाना है। और आपने स्वयं, आपको बता दूं, आपने जो वो बोलते ना कि बाबा जी का जो आपने बोलते ना गुणगान करना उस दिन, और देसी घी का एक दीपक लगा कर कृष्ण जी की फ़ोटो सामने रखते हुए आपने जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का सफटे की माला के ऊपर आपने जप करना है। हल्के पीले कलर के बस कपड़े, और या फिर आपने रेड कलर के कपड़े, रेड कलर के आसन के ऊपर ही ये जप करना है, अन्यथा ये मंत्र कार्य नहीं करेगा। ये क्रिया आपको ब्रह्मचार्य के साथ करनी है, आपने ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना है। साधना करने से 4 दिन पहले और साधना करने के 4 दिन बाद, उसी रात आपको अनुभव में कोई छोटा सा बच्चा बांसुरी बजाता ये दिख जाता है तो आप समझना आपकी साधना सफल हो चुकी है। ये साधना पूर्ण रूप से वही लोग करेंगे जो गुरुमुखी हैं, क्योंकि जो गुरु मंत्र और जिनको मंत्र और साधनाएं करते काफ़ी समय होगा उन लोगों को ही अनुभव आएगा। जिनकी नज़र खुल रखी होगी उन लोगों को ही स्वप्न में दर्शन होंगे, अन्यथा ऐसे दर्शन नहीं होने हैं। ये साधना बिना गुरु के इजाज़त के आप ना ही करना, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि दुनिया मेरे साथ बात नहीं करती है, मेरी कुछ सुनता नहीं है, तब आप साधना का प्रयोग। और वह सफटे की माला गले में धारण करनी है, प्रयोग में मंत्र मन ही मन आपने जप करना, बस देखते जाना खुद ब खुद मंत्र कार्य करेगा। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आदेश रेश जग